हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज बिंदु यादव, करंटली परसुइंग एमबीबीएस कोर्स। गाइस, हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी जीएमसी डूंगरपुर कॉलेज की कंप्लीट डिटेल के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जीएमसी डूंगरपुर के लिए लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी, उसकी ऑल इंडिया रैंकिंग कितनी है, स्टेट रैंकिंग कितनी है, इन सब और फी स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने उसमें मेंशन किया था वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीएमसी पाली, डेट इज जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली की कॉलेज की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं इसकी स्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो जीएमसी पाली जो स्टेब्लिश्ड हुआ था वो 2018 में हुआ था। उसके बाद अगर मैं इसकी ऑल इंडिया रैंकिंग की बात करूं तो ये होल्ड करता है 102 रैंकिंग। उसके बाद अगर इसकी राजस्थान में स्टेट रैंकिंग को देखें तो ये जो है होल्ड करता है 11th रैंकिंग। अफिलेटेड है विद RUHS, डेट इज राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस, एंड कंप्लीटली अप्रूव्ड है MCI के थ्रू, डेट इज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके बाद हमको पता है कि एडमिशन क्राइटेरिया सिंपली जो है ऑल वी नो सिंपली थ्रू नीट यूजी प्रोसेस। उसके बाद अगर हम इसकी ऑल इंडिया इसकी रेटिंग की बात करें तो इट्स सस्टेन 4.1 रेटिंग आउट ऑफ 5। ओके, इसमें नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो कॉलेज है मेडिकल कॉलेज है वो 4.5 इयर्स की का MBBS कोर्स प्रोवाइड करवाता है विद 1 ईयर की इंटर्नशिप के साथ में। गाइस, इसमें टोटल 100 सीट्स हैं जिनमें 3 टाइप्स की सीट्स हैं, जिसमें 50 सीट्स गवर्नमेंट आती है, 35 सीट्स जो है मैनेजमेंट सीट्स है, एंड रिमेनिंग जो लेफ्ट जो सीट्स है वो NRI सीट्स है। अगर मैं इनकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में आपको इन्फॉर्म करूं तो गवर्नमेंट सीट्स के लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो 77,000 पर ईयर की फी है। अगर यही हम मैनेजमेंट सीट्स के लिए देखें तो ये जो फी है वो 7,50,000 फी है, एंड NRI सीट्स के लिए तो आप जाके मतलब देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें, अगर मैं लास्ट ईयर के मतलब अप्रोक्स अगर आपको कट ऑफ का क्राइटेरिया बताऊं तो सिंपली हम देख सकते हैं कि जो जनरल के लिए जो मतलब रैंक गई थी वो 7,606 गई थी और मार्क्स जो थे वो 592 गए थे। नेक्स्ट अगर हम ओबीसी के लिए देखें तो यही जो ऑल इंडिया रैंकिंग गई थी वो 7,667 गई थी, एंड अगर मार्क्स की बात करें तो 569 गए थे। एससी के लिए देखें तो ये 550,656 गई थी, मार्क्स जो थे वो 462 गए थे, और अगर एसटी के लिए देखें तो यही जो कट ऑफ रैंक जो रैंक थी वो 57,885 गई थी और जो मार्क्स गए थे वो 445 गए थे। ये तो था 2019 का डाटा। अभी अगर मैं 2020 के लिए बात करूं तो राउंड 1 की तो काउंसलिंग हो चुकी है, अभी राउंड 2 का रिजल्ट आना बाकी है, सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस अभी बाकी है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी अगर मैं 2020 के लिए की राउंड 1 की अगर बात करूं तो जनरल के लिए जो मैनेजमेंट की जो रैंक गई ऑल इंडिया जो रैंक गई है वो गई है 18,575, और ओबीसी के लिए यही जो रैंक गई है वो 20,489 गई है। तो गाइज, ये सारी जो डिटेल्स थी वो जीएमसी पाली के लिए थी, बाकी इतनी कॉलेज की डिटेल्स है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नई चीज लेके आएंगे, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ओके गाइज, आपको आई होप कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और जो है अगर पसंद आई तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें मेरे चैनल को। ओके, अगेन ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड अप विद एडवानी। ओके, बाय गाइज।